स्वागत तो करो हमारा। ओके सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से डेमन किंग गेमिंग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग फिर से उन हीरोज के साथ खेलने वाले हैं जिनकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से मैच करती है। yes! अब तुम लोग इस वाली सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो तो तुम्हारे भाई का फर्ज बनता है ना इस सीरीज को कंटिन्यू रखने का। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहला जो रोल बनने वाले हैं वो रोल है, मैं नहीं बताऊंगा, दी सैमुराई। अब तुम लोगों को अगर ग्राफिक्स वगैरह अलग लग रहे होंगे सो ये मेरे पापा का फोन है क्योंकि मेरे फोन में जो गेम लॉर्ड है ना, ठीक है, वो अलग मोड है। अलग मोड में तुम्हें कैसे समझाऊं, ये समझ लो कुछ गेम पे काम चल रहा है जिस टीम पे मैं भी बंदा हूँ यानी मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ, तो हमें एक अलग वर्जन दिया गया जिसमें गेम प्ले वगैरह लगना थोड़ा हार्ड वगैरह होता है। इस वजह से मैं अपने पावर के फोन में अपनी आईडी लॉगिन करके अपने गेम प्लेस वगैरह निकाल रहा हूँ, तुम लोगों को गेम प्लेस देखने को मिलेंगे, फिक्र ना करो। बट थोड़े से ग्राफिक्स लोगे क्या मतलब, मैंने 2 GB रैम वाले फोन से जब 5000 सब्सक्राइबर करे हैं तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। पहले अभी यहाँ पे गाइस मैं सैमुराई बना हूँ, ओहानी भी मेरे साथ अटैच है और मैं अपनी पूरी बकलोली वाली समरी में पूरा का पूरा 1 मिनट निकाल गया। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। वेल गाइस अभी मैं सैमुराई बन के पेयर राउंड करके यहाँ पे इतने सारे बंदों को एक साथ शील्ड दे रहा था, मैंने बस पूछो मत। अब ये देखो अब तक एक भी डेड बॉडी रिपोर्ट नहीं हुई है और मैंने तीनों की तीनों ही एनर्जी ड्रिंक पी ली है, यानी कि गेम अच्छा खासा तगड़ा चल चुका है अब तक। सो एक काम करता हूँ ना, मैं ऑफिस साइड पे जाके बैठ जाता हूँ। Okay. अब गेम में बाउंटी हंटर है तो बाउंटी हंटर जैसे ही कोई भी बंदा मेरी तरफ भागता हुआ आएगा मैं वैसे ही अपनी पैरी ऑन कर लूंगा, उसके बाद मैं जो है इमरजेंसी मीटिंग बिठाऊंगा, बोलूंगा निकालो साले को, साला मेरे को किल करने की ट्राई कर रहा था बट मेरी पैरी की वजह से बच गया। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वेल अब तक जो है अपने 2 बंदे मर चुके हैं सिर्फ, तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्योंकि 2 बंदे इज नॉट अ बिग डील विद द बाउंटी हंटर। सो या वी कैन फाइट अगेंस्ट, नहीं आती है मेरे को इंग्लिश, क्यों ट्राई करता हूँ मैं जब मेरे को नहीं आती। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोग लैंडर साइड पे जा रहे हैं क्योंकि लैंडर पे मेरे एक टास्क है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं अपना टास्क ही कंप्लीट कर लूँ और मैं यहाँ पे आ गया था टास्क अपना कंप्लीट करने। बट इतने में ही हमारे येल्लो की डेड बॉडी रिपोर्ट होती है जो कि पिंक के हाथों होती है और हम लोग इस वाले पॉइंट पे जो है मीटिंग स्किप कराते कराते ब्लू को निकलवा देते हैं। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं सच्ची में मीटिंग स्किप हो रही थी, फिर एकदम से किसी के चुनाव ने काटो, बोला येल्लो को निकाल दो, ब्लू को निकाल दो अपने। पहले भी यहाँ पे पिंक ने दिखा दिया कि वो अपनी मजीशियन है, यानी कि हो सकता है कि पिंक ने अपनी डेड बॉडी वाली जो उसकी एबिलिटी होती है ना उसके चलते उसने देख लिया इम्पोस्टर को, इसलिए उसने उसको निकलवा दिया। अब इन लोगों ने नेक्स्ट नाम तो मेरे ऊपर ही लगाया, इन लोगों ने बोला कि भाई इसको निकाल देना, बट मैंने बोला भाई मैं सामराऊ, हनी भी मेरे से अटैच है, हनी भी से पूछ लो, मैंने तब कुछ भी ना करा। और इन लोगों ने फिर मेरी बात मान ली, इन लोगों ने बोला चल भाई जा, तेरे को एक चांस दिया, तेरे को छोड़ दिया, तू ना अगर किसी को भी मारा तो एक नंबर का मतलब गाली वाली बक दी थी इन लोगों ने। फिर मैंने इनकी आईडी रिपोर्ट मार दी थी। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज सुबह कभी किसी को जरूर नहीं बोलूंगा भाई। वेल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी जब तक मैं बचा हूँ और मेरे को ना जाने क्यों ग्रीन कहीं ना कहीं बाउंटी हंटर लग रहा है, सो मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और वेट करता हूँ इसका कूल डाउन होने का। मैं अपने मनी मन में गिनती गिनूंगा, जैसे भी इसका कूल डाउन हो जाएगा मैं पैर ऑन कर लूंगा। बट इतने में वाइट हमारी इमरजेंसी मीटिंग बिठा देती है और हम लोग इस वाले पॉइंट पे निकलवा देते हैं अपने ब्राउन को, क्योंकि इन लोगों का मानना ये था कि अब तक गेम में क्यूपिड बचा है, दोनों के दोनों इंपोस्टर निकल चुके हैं, क्यूपिड ने किसी इंपोस्टर वगैरह को अपना पार्टनर बनाया होगा, वही हुआ था, क्यूपिड ने किसी इंपोस्टर को अपना लवर बनाया था जिसकी वजह से अब तक गेम चल रहा था और हम लोग इस वाले गेम को जीत जाते हैं, वही अपना और इन जो है वो बन जाते हैं MVP। सो चलो गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रोल की ओर जिसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा सर्वाइव अपने सैमुराई से मैच करती है। अब जिसकी एबिलिटी सैमुराई से मैच करती है वो है सर्वाइवर। नहीं नहीं गाली मत बकना, गाली मत बकना, मैं तुम लोगों को भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। अपने सैमुराई टेरी ऑन करके खुद को बचाता है, अपने आसपास वाले बंदों को बचाता है जिसकी वजह से इंपोस्टर उसे किल नहीं कर पाता और उसे पता चल जाता है कि इंपोस्टर कौन है। वहीं अपना सर्वाइवर जो है अपनी शील्ड की मदद से खुद को बचाता है और इंपोस्टर से मार नहीं पाता और इसे भी पता चल जाता है कि आखिरकार इंपोस्टर है कौन। सो अपने दोनों की रोल्स की एबिलिटी सेम ही तो है ना, बस फर्क इतना अपना सैमुराई जो है वो कहीं मतलब ज़्यादा लोगों को जो है प्रोटेक्शन देता है, अपना सैमुराई जो है इससे वो खुद ही को प्रोटेक्शन दे पाता है। अभी मेरे को प्रोटेक्शन लेने के लिए सबसे पहले तो शील्ड मार के बैठना पड़ेगा, ये प्रोटेक्शन कितना गंदा साउंड कर रहा है बे, कोई ढंग से स्क्रिप्ट लिख के दे दिया कर भाई, कोई वल्गर वर्ड ना लगे। नेरोद साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। गलत हो गया,
कट कर देना प्लीज। बिल्कुल बात नहीं गाइस, अभी यहाँ पे जो है अपना ऑरेंज इमरजेंसी मीटिंग बैठा था और हम लोग इस वाले पॉइंट पे ब्लू को निकलवा देते विदाउट एनी एविडेंस एंड विदाउट एनीथिंग, बस इसी मन करा तो निकाल दिया, यही अपना काम है भाई, अपना मन करता अपन निकलवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अपने को है नहीं। पहले गाइस अभी यहाँ पे गेम दोबारा से कंटिन्यू हो चुका है, मैं शील्ड्स पे जाके बैठने वाला हूँ और मैंने इन लोगों से बोल दिया गाइस देखो मैं पूरा पूरा स्पेस क्रू साइड हूँ क्योंकि व्हाइट जैक के गेम में अगर गलती से भी कुछ सीन हो तो व्हाइट जैक मेरे को गेस्ट नहीं लेगा, इसलिए मेरे को बचना भाई, मेरे को गेस्ट ना होना, मैं ना चाह रहा भाई पहली या दूसरी मीटिंग में मरना। पहले भी यहाँ पे ऑरेंज अपना इमरजेंसी मीटिंग बिठा लेते और हम लोग इस वाले पॉइंट पे पिंक को निकलवा देते हैं। अब ये लोग बंदूक को एक एक करके निकलवा रहे हैं, मेरा इसमें भी फायदा है क्योंकि मैं इंपोस्टर के साथ भी जीत सकता हूँ क्योंकि मैं अपना नॉर्मल स्पेस क्रू तो हूँ नहीं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना और साथ ही साथ बंदे भी बचवाने। यहाँ पे इंजीनियर साहब फिक्स कर रहा है, यानी अपने को दो सेफ बंदे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल चुके, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इमरजेंसी मीटिंग बिठाता हूँ और इस बार भी ये लोग मीटिंग को स्किप करा देते हैं जो कि ये इतनी देर से कर रहे हैं। ये लोग मीटिंग बिठा रहे हैं स्किप कर रहे हैं, मीटिंग बिठा रहे हैं स्किप कर रहे हैं, सब सिर्फ हम लोग यही काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ बंदों को निकलवाते हैं बीच में फिर मीटिंग बिठाते हैं फिर स्किप करते हैं। अगर मैं इस गेम प्ले का अनकट वर्जन डाल दूं ना तो मैं इस वाली वीडियो से सिर्फ इतना पैसा कमा लूंगा कि बस पूछो मत, डेढ़ घंटे चला था ये गेम। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। गलत पढ़ लिया मैंने, 15 मिनट चला था भाई ये गेम। गेम प्ले तो मैंने निकाला था ना, मुझे क्यों याद। पहले कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं यहाँ पे अपने इमोट वगैरह की शोबाजी कर रहा था और इतने में टाइम मास्टर अपना टाइम रिवाइंड कर देता है जिसकी वजह से अपने को पता चल जाता है कि एक बंदा यहाँ पे टाइम मास्टर है और ऑरेंज अपने आपको टाइम मास्टर बोल रहा था, यानी ऑरेंज भी सेव हो जाता है और ये बंदा दो बार टाइम रिवाइंड कर रहा है। वाओ, वेरी डेंजरस। आई डोंट नो व्हाई बट कर रहा है तो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जितनी बार चाहे उतनी बार टाइम रिवाइंड करे बस करता रहे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे स्नाइपर ने स्नाइप शॉट लिया और हम लोगों ने इस पॉइंट पे ग्रीन को निकलवा दिया क्योंकि ग्रीन अपना लास्ट ऐसा बंदा बच रहा था जिसने अब तक अपना रोल प्रूफ नहीं करा था। फिर क्या, हम लोगों ने इस पॉइंट पे ग्रीन को निकलवाया और हम लोग इसी के साथ इस वाली गेम को जीत गए और सर्वाइवर जितनी देर तक जीता है उतने ही उसके MVP बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और मैं इस वाली गेम में इसी वजह से बन जाता हूँ MVP। सो चलो गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रोल्स की ओर जिनकी एबिलिटी एक दूसरे से मैच करती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपना जो फर्स्ट रोल आने वाला है वो आने वाला है डिमेंटर। नहीं गाली मत बकना, ये घोस्ट रोल्स वाले के पार्ट टू पार्ट थ्री नहीं है, हम लोग इसमें नॉर्मली गेम प्ले निकालने वाले। तो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे बन चुका हूँ डिमेंटर। अब डिमेंटर तुम लोगों को पता है क्या कर सकता है, वो बंदा मर सकता है फिर जिंदा हो सकता है, फिर मर सकता है फिर वो मरा ही रहेगा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं एक बार जिंदा करवा देते गेम वाले, इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? मतलब भी गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइड पे ऑरेंज आ रहा था तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज को किल कर दिया और इतने में ही डेड बॉडी रिपोर्ट होती है और गेम में एम्प्रेस था, इन लोगों ने मुझे निकलवा दिया जस्ट बिकॉज मैं तो अमीर वाले कपड़े पहना हुआ भी नहीं था यार, ये तो गोल्ड स्टार रॉयल का था भाई, तुम्हारा गलत गंदा है, मेरे को काय को पीस रहा सब में, तुम हो नुबड़े तुम हो क्या? मतलब मेरे को भी बाद में 100 लक पे ही मिला था, मैंने भाई इस पर अपने 200 गोल्ड सस खर्च करे। वेल उन सब बातों को अलग रखते हैं हम, अभी यहाँ पे भाई मैं अपने पार्टनर के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ और इतना बड़ा नूबड़ा पार्टनर है कि ये खुद इलेक्ट्रिकल का सबताज फिक्स करवा रहा है। फिर क्या, अपने सियान भाई इमरजेंसी मीटिंग बिठाते हैं और ये वाली मीटिंग भी हाथों हाथ स्किप हो जाती है। अब मैं अपने पार्टनर के भरोसे हूँ पूरे का पूरे इस गेम में, मेरा पार्टनर कब किल करेगा, मैं कब रीइंकार्नेशन करूँगा, उसके बाद मैं कब बंदों को मारूंगा, फिर कब ये बंदे मुझे दोबारा निकलवाएंगे, फिर कब मैं दोबारा रीइंकार्नेशन नहीं कर पाऊंगा ना, गेम को काट के जाऊंगा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। डिमेंटर बन के तो मैं अपने पार्टनर पे निर्भर रहना सबसे सबसे बुरा काम होता है, ये अपने पार्टनर पे निर्भर रहना। काश यार अपने डिमेंटर को भी एक एरो आता ना, लाइक एरो आता जैसे ये तुम्हारा पार्टनर किल करो इस साइड पे डेड बॉडी जाके घुस जाओ उसमें, मजा आ जाता ना एकदम ही। बट नहीं यार ऐसा कोई भी एरो वेरो का सीन नहीं है। बट अभी यहाँ पे जो अपना पर्पल जा रहा है इलेक्ट्रिकल में, मैं अपने पार्टनर का वेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल साइड पर, बट मेरा पार्टनर इलेक्ट्रिकल साइड पर आ ही नहीं रहा। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। नहीं इस महापुरुष के लिए सिर्फ आप लोग दो वर्ड बोल दो भाई, कहाँ मरा फिर रहा है बे, किधर की साइड में है बे। एक बात, येल्लो खड़ा हुआ है यहाँ पे, येल्लो का भूत खड़ा हुआ है। ओके ओके येल्लो को बोला, अरे भाई येल्लो की डेड बड़ी बड़ी, अभी घुस जाता हूँ इसमें और सरप्राइज आई एम बैक। अभी गाइस मैं यहाँ पे बाहर ही निकला था और इतने में अपने ग्रीन भाई इमरजेंसी मीटिंग बिठा देता हूँ, ये लोग इस वाले पॉइंट पे ब्राउन को निकलवा देते हैं।
नहीं सच में निकलवा देते हैं। अब इन लोगों ने जैसे ही ब्राउन को निकलवाया, इन लोगों के भाई होश उड़े के उड़े रह गए, क्योंकि तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कि अब भी यहाँ पे दो इम्पोस्टर रिमेनिंग दिखा रहे हैं, और अभी इन्होंने लास्ट मीटिंग में मेरे को निकाला था, और इसके साथ ही ये लोग समझ जाते हैं कि मेरे अंदर डिमेंटर आ चुका, मतलब मेरे अंदर नहीं बट इन लोगों को ये पता चल चुका कि गेम में दोबारा से डिमेंटर आ चुका है। अब ये मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, इन लोगों की अब फटके लिटरली चार हो चुके, क्योंकि इन लोगों को पता है इम्पोसिस को सिर्फ उसे दो ही किल करने हैं गेम जीतने के लिए, जो कि अभी मैं करने भी वाला हूँ। इलेक्ट्रिकल साइड पे मेरे को जो भी नजर आएगा मैं उस बंदे को किल कर दूंगा एकदम ही, छोड़ूंगा नहीं मैं उस बंदे को। वैसे भी गेम में टाइम मास्टर तो है नहीं जो कि टाइम रिवाइंड करके उस बंदे को बचा ले। वेल गाइस अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पार्टनर ही आया था, आई डोंट नो व्हाई मेरा पार्टनर इस पॉइंट पे ज्यादा फिर रहा था, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लू को किल कर देता हूँ। ब्लू को किल करते ही हम लोग इस वाले गेम को जीत जाते हैं, और इस वाले गेम में तुम्हारा भाई यानी डीमन किंग बन जाता है एमवीपी। चलो गाइस अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रोल की ओर, जो कि डिमेंटर से मिलता है। तुम लोग समझ गए होगे कौन से रोल की बात कर रहा हूँ, तो टाइम को वेस्ट ना करके चलते हैं उस रोल की ओर। 2 hours later तो ये होने वाला हमारा आज की वीडियो का लास्ट गेम ले, जिसमें हम लोग बनने वाले हैं दी मैजिशियन। मैजिशियन बन गए हम लोग, भाई भूत बनेंगे उसके बाद बंदों को नहीं, हनी भी अटैच होने की क्या पड़ी थी तेरे को, रुक जा मैं भी ज़रा डी अटैच करवाता हूँ तेरे को, क्योंकि भाई अगर मैं डी अटैच होऊंगा तो हनी भी, मतलब अगर मैं अपने डेड बॉडी छोड़ूंगा तो हनी भी डी अटैच हो जाएगी, इसलिए मेरे को हनी भी को डी अटैच करवाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं अपने यहाँ पे पहले तो टास्क कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया मेरा टास्क, अब मैं अपनी डेड बॉडी छोड़ के दोबारा जिंदा हो जाता हूँ, कभी पता चल हनी भी डेड बच गया था भाई, मुझे लगा था मैं जाने वाला हूँ बट मैं बच गया था। वेल गाइस अभी इस वाले पॉइंट पे ये लोग अपने ब्लू को निकलवा देते हैं, इसका मतलब ये ब्लू अपने इंपोस्टर निकलता है, और साथ ही साथ अब सिर्फ और सिर्फ गेम में एक ही इंपोस्टर बचा है, और हम लोग उस वाले इंपोस्टर को बहुत ही ज़्यादा ईजिली ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी का अब पूरा पूरा इस्तेमाल करने वाला हूँ। वेल गाइस अभी यहाँ पे अपना रेड मेड बेस्ट कैन दिखा रहा था, तो मैं यहाँ पे से टिक दिखा देता हूँ कि हाँ भाई तू सेफ है, मैं अपना मजिशियन वाला भी मार्क दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से इसको पता चल जाए शायद से अगर इसके अंदर दिमाग हुआ तो ये समझ लेगा मैं मजिशियन हूँ। वेल गाइस अभी मैं यहाँ पे अपना भी मेड बेस्ट कैन कर लेता हूँ, और रेड मेरा मेड बेस कैन देख के टिक दिखा रहा है, यानी रेड को मेरा मेड बेस कैन देख रहा है, और उसकी मदद से मैं रेड की नजरों में सेफ हो चुका हूँ। अब मेरे को कोने की साइड पे जाके अपनी अपनी डेड बॉडी छोड़नी पड़ेगी, कभी पता चले मैं डेड बॉडी छोड़ूं और रेड जो है डेड बॉडी रिपोर्ट कर दे। अब मैं इलेक्ट्रिकल साइड पे आके दोबारा से रीइंकार्नेशन मारता हूं, बट मैं यहां पे देखता हूं कि येलो मरा पड़ा है। इसका मतलब ये है कि येल्लो को कोई मार के अभी अभी भागा है, और मेरे को उसको ढूंढना पड़ेगा वो भी भूत बन के। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल का सबटाच फिक्स करा देता हूँ ताकि कोई बंदे इधर ना आए, और मैं उसके बाद इलेक्ट्रिकल में अपनी डेड बॉडी छोड़ के आगे की साइड पर बढ़ के देखता हूँ कि आसपास हमारे कौन है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ग्रीन अपना सिक्योरिटी में, तो हो सकता है ग्रीन वेंट करके गया हो इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के थ्रू वेंट जाती है जैसे कि तुम लोगों को पता है। अब मैं आसपास देखता हूँ, आसपास मेड बे में, मेड बे में कोई भी मेरे को नजर नहीं आ रहा है, और मैं ज़्यादा दूर जाना भी नहीं चाह रहा हूँ। वेल गाइस इतने में ही मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इमरजेंसी मीटिंग बिठा दूँ, अगर इम्पोस्टर वेंट में हुआ तो पकड़ा जाएगा। ओके गाइस सारे के सारे अपनी ऑटो लोकेशन भेजना जरा, येलो इलेक्ट्रिकल में था, सारे के सारे अपने ऑटो लोकेशन भेजो। वेल अभी एक काम करो, व्हाइट को निकाल दो, व्हाइट अपने इंपोस्टर मेरे को लग रहा है। मिल गए, इस व्हाइट अपनी ऑटो लोकेशन में होश बोलता है मैं मेड बे में था, और मेड बे में जैसे कि हम लोगों ने देखे थे कि कोई भी नहीं था, तो हम लोग समझ जाते कि व्हाइट यकीनन मेड बे की वेंट में था, और इसी के साथ हम लोग व्हाइट को निकलवाते हैं और हम लोग इस वाले गेम को जीत जाते हैं। सो गाइस यही थे आज के अपने रोल्स विद सेम एबिलिटी का पार्ट नंबर 3। अगर तुम लोगों को वीडियो जरा भी चलेगा तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरे को बता दो कि और कौन से रोल्स हैं जिनकी एबिलिटी एक दूसरे से ज़्यादा ही मैच कर दी, हम लोग उन्हें नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर देंगे। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से कोई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।